Welcome to my educational platform, Unique Style of Teaching. 8th class मैथमेटिक्स, फेडरल और पंजाब दोनों बोर्ड में ये मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है. मीडियम इज द इंग्लिश. यूनिट नंबर 6, चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन एंड साइमल्टेनियस इक्वेशंस. एक्सरसाइज 6.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 का अपलोड इस वीडियो में होगा. Solve the following questions by using formulas. और आपने evaluate करना है with the help of the square of each of the following. 53 को आपने फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ फार्मूला. तो 53 जो है कैन बी रिटन एज 50 + 3 होल स्क्वायर. इस पे जो फार्मूला अप्लाई होगा वो होगा a + b होल स्क्वायर = a² + 2ab + b स्क्वायर. इस केस में a का वैल्यू आपके पास 50 है और b का वैल्यू 3 है. आप फार्मूले में वैल्यूज को प्लग करेंगे. 50 का स्क्वायर + 2 × 50 × 3, क्योंकि 50 आपके पास a है और b का वैल्यू 3 है, प्लस b का स्क्वायर जो कि 3 है, 3 का स्क्वायर. इसके बाद इसको सॉल्व कर लें. 50 का स्क्वायर आपके पास होता है 2500 और 2 × 50 × 3 होंगे 300, प्लस 3 × 3 = 9. इन तीनों नंबर्स को जब हम सम अप करेंगे तो आंसर विल बी 2809. ये आपका आंसर है. पार्ट 2 के लिए देखिए 77 का आपने स्क्वायर फाइंड करना है. 77 कैन बी रिटन एज 70 + 7 होल स्क्वायर. जो फार्मूला यूज होगा a + b होल स्क्वायर = a² + 2ab + b स्क्वायर. ए का वैल्यू यहाँ पे 70 है और बी का वैल्यू 7 है. आप अकॉर्डिंगली इसकी वैल्यूज को प्लग करेंगे. 70 होल स्क्वायर प्लस 2 × 70 × 7 प्लस 7 होल स्क्वायर. अब 7 का आप लेंगे स्क्वायर, इट विल 4900 और 2 × 70 × 7 द आंसर विल बी 980, प्लस 7 × 7 = 49. इन तीनों नंबर्स को आप सम अप करें तो आंसर आपके पास आएगा 5929. नेक्स्ट नंबर है 509. 509 कैन बी रिटन एज 500 + 9. तो 500 + 9 का जब हम स्क्वायर लेंगे, फार्मूला देखिएगा a + b होल स्क्वायर = a² + 2ab + b स्क्वायर. यहाँ पे a का वैल्यू आपके पास 500 और b का वैल्यू 9 है. अकॉर्डिंगली आप फार्मूले में वैल्यूज प्लग करेंगे. 500 स्क्वायर प्लस 2 × 500 × 9 प्लस 9 स्क्वायर. तो ये 500 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये 5 5 हो जाएंगे 25 और जो जीरोस हैं वो डबल हो जाती हैं. मेरा के ये 2 0 है, 4 टाइम 0 हो जाएगा. ये देखिए 1 2 3 4 और 2 × 500 × 9 इट विल बी 9000 प्लस 9 × 9 = 81. तीनों को अब जब हम सम अप करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 2,59,081. ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर है. नेक्स्ट नंबर है 1006. इसको लिखा जा सकता है 1000 + 6 होल स्क्वायर. जो फार्मूला है a + b होल स्क्वायर = a² + 2ab + b स्क्वायर. a का वैल्यू 1000 और b का वैल्यू आपके पास इस केस में 6 है. वैल्यूज प्लग करेंगे. 1000 का स्क्वायर प्लस 2 × 1000 × 6 प्लस 6 का स्क्वायर. आप ये 3 0 है, 3 0 का जब स्क्वायर होगा तो 6 हो जाएंगी. 1 2 3 4 5 6 0 होगी और ये 2000 × 6 12,000 हो जाएंगे. 6 × 6 = 36. अब हम इनको जब ऐड करेंगे द आंसर विल बी 1,012,036. इसके साथ ही ये वीडियो कंप्लीट होती है. इसमें बेसिकली आप में अगर फार्मूले आपको अच्छे तरीके से आते हैं तो अच्छी बात है. अगर फार्मूले आपको नहीं आते तो उसके लिए आप YouTube की सर्च में लिखेंगे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज बाय यूनिक स्टाइल ऑफ टीचिंग, ये लिखेंगे तो मेरा एक वीडियो आपको मिलेगा। उस वीडियो में सारे के सारे फार्मूलाए हैं, फार्मूलों को अच्छे तरीके से याद करें, क्योंकि आपको फार्मूले अच्छे तरीके से याद होंगे तो आप अपने क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से कर सकेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल पे कमेंट करें, मेरे वीडियो पे कमेंट करें और मेरे वीडियोस का अपने फ्रेंड्स और क्लास फेलोज के साथ शेयरिंग ज़रूर कीजिए। अगर आप ऑनलाइन टीचिंग में इंटरेस्टेड हों तो उसके लिए मेरा सेल नंबर नोट कर लीजिए 0321 5838 264। थैंक यू वेरी मच।